Dear students, next topic is direction of magnetic field around a conductor. पहले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें करंट चलती है. मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट चलती है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. उसकी डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है. ये है आज का टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर वाज गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल. याद रखिए, एम्पियर स्विमिंग रूल, इट इज ए रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के अराउंड डेवलप होता है, उसकी डायरेक्शन देता है एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, मैं आपको समझाता हूं. इमेजिन कर दीजिए, ये इमेजिन करना है, एक आदमी इमेजिन कर दीजिए, दिस इज ये एक मान लीजिए एक पर्सन है. इमेजिन ए मैन हु स्विम्स. एक आदमी ले लीजिए, ये मान लीजिए उसका हेड है, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म हो गई, ये फीट है. इधर सुनिए, इमेजिन कर दीजिए ए मैन स्विमर्स अलोंग द कंडक्टर. इमेजिन कर दीजिए ए मैन स्विम्स अलोंग द कंडक्टर इन सच ए वे दैट करंट एंटर्स फ्रॉम इट्स फीट एंड लीव्स थ्रू इट्स हेड. इमेजिन ऐसे कर दीजिए कि एक आदमी तैर रहा है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, एक कंडक्टर के अलोंग जिसमें करंट आई चलती है. इस तरीके से हमें सोचना है कि करंट एंटर कर रही है फीट से और इंसान के हेड से निकल रही है. तब जब ऐसी कंडीशन होगी तब क्या होता है, अगर ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पर हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दिस इज मैग्नेटिक कंपास नीडल. इधर सुनिए, तुम लोगों को पता है साउथ नॉर्थ अगर यहां है, ऊपर वेस्ट है, इधर ईस्ट. इधर सुनिए, इमेजिन ए मैन हू स्विम्स alongside the conductor in such a way that current enters from its feet and leaves through its head. Then north pole of the magnetic compass needle, will deflect towards the left side of the, swimming man. Left side, That means towards west. फिर से बताता हूं, अगर एक मैन, ये एम्पियर स्विमिंग रूल है, अगर एक मैन स्विम कर रहा है इन सच ए वे करंट एंटर कर रही है फ्रॉम इट्स फीट एंड लीव थ्रू इट्स हेड, तब जो नॉर्थ पोल, जो मैग्नेटिक कंपास नीडल हमने रखी है कंडक्टर के नीचे, तब उस मैग्नेटिक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो स्विमिंग पर्सन के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. इस ऐसे आएगी डिफ्लेक्शन. लेफ्ट हैंड किस साइड है, वेस्ट साइड, क्योंकि करंट कहां से कहां चल रही है, साउथ टू नॉर्थ.
तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, शाबाश, टुवर्ड्स वेस्ट, ये याद रखना, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, इसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। इस रूल का दूसरा एक रूल है यहां पर जिसको बोलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो रूल तो बिल्कुल आसान है इससे भी, इधर सुनिए, एस एन ओ डब्ल्यू, ऐसे करंट कहां से कहां चल रही थी, साउथ टू नॉर्थ। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज फ्रॉम, ध्यान से सुनिए, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट चलेगी साउथ टू नॉर्थ तब नॉर्थ पोल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, शाबाश, फिर से सुनो, इसको बोलते हैं स्नो रूल। इधर सुनो, स्नो रूल स्टेट्स दैट If current flowing through a conductor is from south to north, if current flowing through a conductor is from south to north, then north pole of the magnetic compass needle will get deflected towards west. इसको बोलते हैं snow rule and Ampere's swimming rule. Thank you.